संभल बीजेपी के दलित नेता यूपी सरकार में राज्य मंत्री गुलाबो देवी का बड़ा बयान। स्वामी प्रसाद मौर्य का बीजेपी पर दलित और पिछड़ों के साथ असमानता के व्यवहार के आरोप पूरी तरह गलत। स्वामी प्रसाद मौर्य का स्वार्थ चरम पर पहुंच गया था, जिसे पूरा करने के लिए वह अपनी मनमानी नहीं कर पा रहे थे। कहा, 33 वर्षों से बीजेपी में है, पार्टी में दलितों और पिछड़ों के साथ असमानता का कभी भी एहसास नहीं हुआ। मुझसे ज्यादा प्रमाण और भी और कोई पार्टी का मिल नहीं सकता। मेरा पूरा जीवन इसमें बीत गया, लगभग 33 साल हो गए मुझे इस पार्टी में काम करते हुए। मैंने कहीं पर भी ये एहसास नहीं किया कि भारतीय जनता पार्टी कहीं पर भी असमानता का व्यवहार करती है। मुझे 7वीं बार टिकट दिया पार्टी ने, जो मैं आज में विधायक बैठी हुई हूँ। आगे ईश्वर की इच्छा है, जो पार्टी हित में होगा हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है वो निर्णय लेगा। लेकिन ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है कि किसी के साथ भी भेदभाव किया जाए। हम लोग सबको साथ लेके चलते हैं, सबका विकास करते हैं, सबकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। ये स्वामी प्रसाद जो बयान दे रहे हैं, तो उनके बयान के मायने क्या हैं? क्या इस तरीके सिंपैथी लेना चाहते हैं या जो आरोप लगा रहे हैं, ये क्या मायने हैं इनके बयान के मौर्य जी? मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। मैं इतना जरूर कहना चाहती हूँ, जो व्यक्ति का स्वार्थ एक जन्म सीमा पर पहुँच जाता है और कहीं कमी रह जाती है उसे पूरा होने में, और अपनी मनमानी नहीं कर पाता है, तो मैं समझती हूँ उसे कष्ट होता है और वो कोई भी आरोप लगा सकता है। मैं उनके बारे में नहीं कह रही, मैं तो एक जनरल बात बता रही हूँ आपको। एक काम जानकारी सामने ये आ रही है, लोग ये कह रहे हैं कि स्वामी मौर्य जी 5 साल से पार्टी में थे, लेकिन 5 साल तक उन्होंने से कोई बात नहीं की। अब ये चुनाव नजदीक, तो इस समय ही उन्होंने ये मुद्दा क्यों उठाया? किस नहीं, मैंने तो स्वयं आपको बता दिया कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो अपना पूरा लाभ लेते हैं पद का, हर प्रकार से प्रयास करते हैं कि उनके लिए लाभ मिले, और कहीं कुछ उनको ये दिखाई देता है कि दूसरी जगह इससे भी ज़्यादा हमें लाभ मिल सकता है, तो शायद इस तरह के विचार आते होंगे। लेकिन ऐसा हमारी पार्टी में कुछ नहीं है।